दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंबिका प्रसाद है। हमेशा की तरह आपको इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, गूगल ब्लॉग्स बनाने के लिए एक जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी। अगर आपका जीमेल अकाउंट या जीमेल आईडी नहीं बनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख के एक गूगल अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ब्लॉग्स बनाना। सबसे पहले दोस्तों अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, और URL टाइप कीजिए blogger.com और इंटर कर दीजिए। अब ऐसे पेज खुल गया है दोस्तों, तो यहाँ साइन इन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आपसे साइन इन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ अपना गूगल अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालना दोस्तों ही, नेक्स्ट करके अब पासवर्ड डाल दीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है आप ब्लॉगर का कौन सा नाम रखना चाहते हैं, प्रोफाइल नेम पूछ रहा है कि आप ब्लॉगर के प्रोफाइल नेम में क्या रखना चाहते हैं। आपको दोस्तों जो रखना है आप नाम लिख दीजिए। आपकी प्रोफाइल बन गई है दोस्तों, आपको यहाँ आप क्रिएट न्यू ब्लॉग्स पे क्लिक कर देना है। अब सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, वहाँ क्लिक किया तो यहाँ टाइटल पूछ रहा है आपसे, तो टाइटल में आपको पेज का नाम जो भी दिखाना है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ राही बुक्स डाल दे रहा हूँ वर्ल्ड। अब दोस्तों URL आपको चुनने से पहले आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि URL यूनिक होता है, यूनिक URL आपको यहाँ डालना है तभी आपका ब्लॉग पे अवेलेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं चुन रहा हूँ राही टेस्ट, बुक डाल देना। अब देखिए जैसे मैं बाहर क्लिक किया, यहाँ चेक करके बता दिया दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल। तो दोस्तों यदि आप अवेलेबल नहीं होता, मैं कोई और यूजर आईडी डालता, URL डालता, तो यहाँ क्या मैसेज आता मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैंने कुछ दूसरा जब चूज किया तो यहाँ आया सॉरी दिस ब्लॉक एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों मैं फिर से अपना जो अवेलेबल था मैं वही ले रहा हूँ। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ कोई टेम्पलेट चूज करना है, कोई भी आप रख सकते हैं डिजाइन के हिसाब से। अब आपको यहाँ क्रिएट ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। दोस्तों आपका ये ब्लॉग अब बन गया है, और आप दोस्तों ये डोमेन खरीदने के लिए पूछ रहा है, तो अभी आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि आप फ्री में बना रहे हैं तो अभी डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अभी देख लीजिए, तो हमें यहाँ से अब न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। न्यू पोस्ट में तो पोस्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ आपको देना है। अब आपको यहाँ दोस्तों बॉडी में जो भी आपको लिखना है, जो भी मैसेज देना है, जो भी आपको पब्लिश करना है वो बॉडी में आप लिख सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत से फीचर दिए गए हैं, आप जो भी आप इटैलिक की मतलब कि पेज को कैसे सेट करना है, पेज का अलाइन आपको इसमें सब मिलेगा, यदि आप नॉर्मली बना रहे हैं तब दोस्तों। आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, कोई जो भी आपको पब्लिश करना है वो आप लिख के यहाँ बढ़िया से डिजाइन करके दोस्तों आप यहाँ से पेज को सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों कोई लिंक डाल सकते हैं आप, देखिए मैं आपको एक लिंक डाल कर बता रहा हूँ दोस्तों अपना एक लिंक कि लिंक कैसे डालते हैं। यहाँ आपको लिंक के ऊपर क्या शो करना चाहिए जैसे वो लिखना है, आपको क्या दिखना चाहिए टेक्स्ट इस खुल गया, यहाँ पर आपको लिंक डाल देना है, URL लिंक का एड्रेस यहाँ पर डाल देना है आपको।
यहाँ नीचे ऑप्शन है दोस्तों कि आप यह पेज को नई विंडो में खोलना चाहते हैं कि उसी विंडो में खोलते, तो इस पर आप टिक कर दीजिए, जैसे कोई आपके लिंक को क्लिक करे तो नए विंडो पे खुले। अब सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों ये यहाँ से आप फोटो अटैच कर सकते हैं दोस्तों, मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ऐड सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों यहाँ तक ठीक है, और भी चीज़ें हैं आप करेंगे जिसको जब ब्लॉग बनाएंगे तो देखेंगे आप, सब ट्राई कर लेना। ज़्यादा सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी नॉर्मल डिजाइनिंग। यदि आपको HTML डिजाइनिंग आता है या वेब पब्लिशिंग या वेब डिजाइनर हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही ये सब पता होगा। तो आप यहाँ सिंपली कंपोज की जगह आप HTML पर क्लिक करके भी अपने वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को बेहतर तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों पेज टाइटल सबसेट करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करके आप अपने पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका पोस्ट पब्लिश हो गया है, हम मेन पेज पर आ गए हैं अभी, वो आपका पोस्ट पब्लिश हो गया है। देखिए दोस्तों मैं अभी ब्लॉग्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग्स देख पा रहा हूँ। दोस्तों इसमें अर्निंग होती है, लेकिन 40-50 पोस्ट डालने के बाद ही आपको ये गूगल एडसेंस एक्सेस देता है कि आप इसको एडसेंस से लिंक कर पाएँ। तो इसको 40-50 होने तक वेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आशा करता हूँ आप ब्लॉग्स बनाना सीख गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।